अस्सलामुअलैकुम। तो ये देखिएगा कितनी टेस्टी हमने पूरी आलू की सब्ज़ी बनाई है, भंडारे वाली। ये मैंने आलू मथुरा में खाए थे, तो ये जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा ये आलू हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत जल्दी बन गए थे। और हमने मसाले इसमें डाले हैं जो अपने घर पर हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। और ये रायता है जिसकी रेसिपी मैंने आपको शुरू में लास्ट में मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी, मैंने बाद में रायता बनाया है, तो उसकी भी रेसिपी मैं इसमें ही जोड़ दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो ये रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप ये पूरी आलू अचार से खाइएगा और फिर बताइएगा। वैसे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, ज़रूर टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके बनाइएगा और बताइएगा कैसे लगे। तो फिर चलिए बनाते हैं हनीफा के किचन में हनीफा के साथ भंडारे वाली पूरी आलू की सब्ज़ी। फिर हम भंडारे वाले आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप देख लीजिए मैं क्या क्या डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ली है, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी हींग डालूँगी, फिर उसके बाद ज़ीरा डालूँगी। और मैंने एक प्याली बेसन लिया है, मतलब 3 चम्मच, तो मेज़रमेंट मैंने इस चम्मच से रखा है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो मैं दिखाती जाऊँगी बताती जाऊँगी आपको मैं क्या डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी इसमें हींग ली है, मेरी अच्छी वाली हींग है तो इसलिए मैंने कम ली है, अगर आपकी लोकल हींग हो तो थोड़ी सी आप ज़्यादा लेना। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसे पहले प्रीहीट कर लिया और फिर इसकी फ्लेम बंद कर दी जिससे मसाले सारे इसमें जले नहीं। तो अब इसमें मैं हींग डाल देती हूँ, उसके साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा लिया है तो वो मैं डालूँगी। और फिर जब ज़ीरा हमारा हो गया तो हम इसमें जो हमने 3-4 चम्मच बेसन लिया था मेज़रमेंट इस चम्मच से, तो वो हम इसे भून लेंगे अच्छे से, धीरे 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 स्टेप से चलाते हुए कि ये भुन भी जाए और इसमें ये जले नहीं बिल्कुल भी बेसन, और कोई लम्स भी नहीं पड़े। तो अभी इसका झाग खत्म हो जाएगा। 2 मिनट हमने भूना और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बेसन भुन गया। तो इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लेते हैं, ये पिसी हुई हल्दी है, इसे भी हम इसे डाल के स्टेप से चलाते रहेंगे। हल्दी के बाद हम इसमें अदरक डालेंगे, तो ये मैंने 1-2 इंच अदरक ले लिया था, इसे बारीक काट लिया। अगर आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा, स्लो कर दी जिससे कोई मसाला जले नहीं हमारा। इसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी, ये 4 से 5 लाल मिर्च है। इसके बाद बे लीफ डाल दिया, ये भी 4-5 बे लीफ है हमारे, तेजपात। मसाले हम लगातार चला रहे हैं, फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है जिससे जले नहीं। और ये 5 हरी मिर्च है। सारे मसाले मैं आपके सामने डाल रही हूँ तो भून लेंगी, कोई बात नहीं है। वहीं बहुत हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। इसके बाद आप देख लीजिए हम सारे मसाले इसमें मिला देंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी सौंफ इसमें डाल दे रहे हैं। फिर हम अपने इसमें आलू ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हमारा ये दरदरा पिसा हुआ मेथी दाना है, हम वो भी इसमें डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो सारे मसाले मैं आपको बताती चली जा रही हूँ जिससे कोई भी सामान आपका छूटे नहीं, अधूरा रहे नहीं। और ये 2 चम्मच हमारे दरदरे पिसे हुए धनिया है जिसे हमने कूट लिया था ड्राई रोस्ट करके, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तभी हमने डाला मसाले हमारे जले नहीं, तो फिर हम तुरंत अपने आलू डाल देते हैं। मेरे 1 kg आलू हैं तो ये मैंने बॉईल कर ले करके अच्छे से मैश करके थोड़े 1 प्याला पानी में रख दिए थे। पानी इसमें ज़रूर डालना, अगर पानी नहीं डाला आपने तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी और ये ड्राई हो जाएंगे और फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा आपका। फ्लेम हमने फुल कर दी और हमने 1 से 2 ग्लास करीब इसमें पानी मिला दिया जिससे इसके सारे मसाले मिल जाएं। अब आप इसमें नमक चख लेना, नमक कम लगे तो ज़्यादा डाल लेना और मिर्च भी अपने अकॉर्डिंग ही। मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी मसाले की ज़्यादा ली, आपके 1-2 इसमें डाल ले रहे हैं। तो ये हमारे आमचूर पाउडर है, मीन्स खटाई है, और ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे तो दिमाग से नहीं, सॉरी गैस, कसूरी मेथी, ये 1-2 चम्मच कसूरी मेथी। और ये नमक है,
खटाई, कसूरी मेथी और नमक हमने डाल दिया। खटाई हमने 3 चम्मच लिया है क्योंकि खट्टे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा मसाला है, ये चाट मसाला है जो कि मैंने एक पूरा पैकेट ले लिया था। ये काला नमक है और ये दही भल्ला मसाला है। मोस्टली ये दुकानों पर मिलता है बट ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी। तो मैंने दही भल्ला मसाला डाला है। अगर आपके पास छोले मसाले हों, छोला मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये मेरा गर्म मसाला है 1 चम्मच। 1 चम्मच पिसा हुआ मतलब जीरे का पाउडर है, ये भी ड्राई रोस्ट है। तो आप ध्यान रखना, ये गरम मसाला ड्राई रोस्ट और ये दही वाला मसाला, या फिर आप उसका भी मसाला ले सकती हैं, छोला मसाला, काला नमक और ये मसाले से कम क्वांटिटी में मत लेना। अगर आपने कम क्वांटिटी में लिए तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि वो टेस्ट नहीं आया जो बताया था। तो प्लीज़ मसाले थोड़े अच्छे क्वान्टिटी, एक्चुअली ये होता है हम लोग देखते हैं और फिर इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान लेते हैं और फिर वो फ्लेवर नहीं आ पाता। तो जो बेसन मैंने डाला है, इसमें बेसन वो बहुत मेन है, हर हलवाई बेसन डालता तो ज़रूर है मगर वो बताती नहीं है क्योंकि उनकी रेसिपी आउट हो जाएगी। एक बार में मत रह गई थी और फिर मैंने वहाँ ये पूरी आलू खाए थे तो मुझे खुद पॉइंट आउट किया कि इसमें बेसन बड़ा है। और फिर जब मैंने घर आकर आलू बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ 2 बार, तो कुछ फ़ोन की प्रॉब्लम से, कुछ टाइम की प्रॉब्लम से तो मैं ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह इस बार मैं आपके साथ पूरी कंप्लीट वीडियो करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप मेरे तरीके से बनाइएगा आलू, कितने टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिएगा हमारे आलू तैयार हो गए। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि जब ज़्यादा पानी मतलब ये ठंडे होने पर थोड़ा सा गाढ़े हो जाते हैं ना, इसलिए इस मोमेंट में हमने लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हमारी हरी मिर्च ऑलरेडी हो गई थी और ये लाल मिर्च मैंने तीखी वाली डाली है। अगर आपको लाल मिर्च कम लगे और तो आप और ऐड कर, बट अगर आपको खटकता है तो आप खटाई स्किप कर सकती हैं क्योंकि इसमें चाट मसाले में भी खटाई होती है और मेरी सिस्टर्स ज़्यादा खटाई नहीं खाती तो वो खटाई स्किप करती हैं मोस्टली, तो ख़ास तौर से उनके लिए। तो आप खटाई स्किप कर दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, इससे ही आपके आलू इंशाल्लाह खट्टे हो जाएंगे। तो फिर चलिए, आलू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पूरी का डो लगा लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ हमने ऐड करना है इसमें और भूल गए, हमने थोड़ी सी इसमें 3 से 4 पिंच हींग ले ली थी तो वो हमने हींग पानी में भिगो दी, तो वो पानी हींग का पानी हम इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिक आता है। तो ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, तो मैं बिना क्वान्टिटी के इसी कलर के लिए थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। बट मैंने एक बात मैं अपने तरफ से बता रही हूँ, जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, उसमें ग्रीन कोरिएंडर बिल्कुल नहीं था बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हरा धनिया ऐड करूँगी। और 2-3 बॉल बनाया तो चलिए हम इसमें रायता बना लेते हैं। तो जो कि मैं बताना भूल गई थी आपको, तो ये मेरा दही है, फिटा हुआ दही है। ये मेरी चाय की पत्ती का पीस आ गया था दही जल दबते टाइम, तो इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, इसको इस टाइप से फेंट लेंगे। चलिए तो फिर हमने दही अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें ज़रूरी सामान है, दही फेंटना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमने नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और ये भुना हुआ ड्राई रोस्ट हमने ज़ीरा कर लिया था, तो वो हम सारा सामान इसमें डाल देंगे। इसमें इसमें हमने 1 ग्लास पानी लिया है। वैसे रायता इसका थोड़ा पतला ही होता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पतला रायता था तो मैंने थोड़ा पतला भी रायता रखा है। तो ये देखिएगा पूरी आलू के साथ हमारा रायता भी बनके तैयार हो गया। हम इसमें हींग डालना आपको भूल गई, 1 पिंच हींग है जो दिख नहीं रही, रायता था कम था तो मैंने उतनी क्वान्टिटी में हींग डाली है, ये हींग मेरी अच्छी वाली थी। तो फिर चलिएगा हींग भी हमने डाल दी, रायता हमारा कम्प्लीट हो गया। फिर आलू हमारे कंप्लीट हो गए और हम इसका पूरी का डो बना लेते हैं। तो वैसे मैंने ये सामान ले लिया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो इसमें से तो आप स्किप कर सकती हैं। ये मैंने एक प्याला मैदा लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन लिया, अजवाइन का आपका फ्लेवर अच्छा लगे तो आप डालिए वरना आप अजवाइन नहीं डालिए, अगर नहीं भी हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 प्याला मैंने इसमें सूजी लिया है, मोटी बारीक जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये सारा मैंने आटा लिया है गेहूं का, अगर आपके पास सूजी मैदा कुछ भी नहीं हो तो आप कुछ मत डालिए, सिर्फ प्लेन यही डालिए। उसमें नमक लिया है अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और मैंने इसमें थोड़ा लिया है, तो ये 1/2 चम्मच से भी कम है,
तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। वैसे आपकी मर्ज़ी है आप इसमें ऑयल डालें या नहीं डालें। तो मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ 4 चम्मच, इससे टेस्टी और खस्ता पूरी बनती है। तो अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डालिएगा, अगर आप इसके घी डालना चाहें तो आप घी भी डालिएगा। इस सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर आपके पास सूजी मैदा कुछ नहीं हो तो आप कुछ मत डालिए, एक चीज़ डालिए। मैदे से अच्छा सा कलर आता है, बाइंडिंग आती है, सूजी से क्रिस्पी बनाता है। तो अच्छे से हम एक टाइट सा डो बना लेंगे इसका। तो ये देखिएगा, हमने अच्छे से इसे मैदा और वो खाना सोडा वगैरह हमने इसे अच्छे से मिला लिया है बिल्कुल दोनों हाथों से रब कर करके। तो इसे हम एक टाइट सा डो बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा डो बनाते टाइम स्किप कर दूँगी। तो बस अगर आपको डो नहीं बनाना होता, तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यूँ ही मलते रहिएगा और मल के एक तरफ इकट्ठा करते रहिएगा। ये हमारा डो तैयार हो गया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मेरे फ़ोन की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं डो आपको बनाते हुए नहीं दिखा पाई, तो मुझे अपना डो अपना कंप्लीट करना पड़ा। तो इसी तरीके से अपने आटे को रफ करती जाइए आप लगातार इस टाइप से, तो आपका डो इंशाल्लाह मेरे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मैंने देखिएगा ये पूरी का एक अच्छा सा टाइट सा डो बना लिया है। तो अब इसके बाद हम एक इसमें लोई लेंगे, एक पेड़ा बड़ा सा इस टाइप से इतना। और अगर आपके हाथ तो उस पर ये चुपके तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जिसमें भी आप सेकेंगी आप वो ले लीजिए। तो हम देखिएगा थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। वैसे आप मस्टर्ड ऑयल में भी सेक सकती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी पूड़ियाँ लगती हैं। तो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है। तो मैंने एक कढ़ाई में उसे प्रीहीट होने रख लिया है, तो मैं इसे इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो ये देखिएगा हमने इसे इस टाइप से रोल कर लिया है। तो हम इसे एक पूरी बनाएंगे, तो हम इस हिसाब से इसे काट लेंगे इस टाइप से। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे फिर इस टाइप से गोल करके इसे ऐसे प्रेस कर देना है, तो ये बहुत अच्छे से पेड़ा बन जाता है और इजीली हमें लोई गोल मिलती है। और हमें इसी टाइप से अपने सारा कट कट करके रख लेना है। तो ये देखिएगा हमने इस टाइप से सारे इसके गोल गोल बना के रख लिए लोई सी। और अब हम इसे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तेल अपना प्रीहीट होने रख दिया। ये ज़्यादा सॉफ्ट पीस कहाँ पर आटा नहीं बनाएंगे ना ही ज़्यादा पतला करेंगे, मीडियम सा रखेंगे। तो ये देखिएगा पूरी बन के तैयार हो गई। तो ये सारी मैं एक प्लेट में बना के रख ले रही हूँ इस टाइप से गोल गोल पूरी। तो ये देखिएगा हमने सारी पूरी अपनी बना के प्लेट में रख ली है। अब हम इसे सेकने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा पेट तेल हमारा गर्म है पहले से ही। अब हम इसमें पूरी डालते हैं और ये हमारी पूरी तैयार हो गई। आलू पहले से ही तैयार थे। तो ये देखिएगा कितनी अच्छी पूरी बनके तैयार हुई। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियां सेक लेंगे और हमारे आलू तैयार हैं। ये देखिएगा कितनी टेस्टी हल्की हल्की फ्लफी फ्लफी पूरियाँ। ये देखिएगा हमारी सारी पूरियाँ सिक्के तैयार हो गई और ये कितनी टेस्टी कितनी हल्की लाइट वेट लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फिर चलिए अब हम सर्व करते हैं अपने पूरी आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिएगा हमारी आलू बनके तैयार हैं, कढ़ाई में पूरी भी सिक गई और ये डो जो दो डो रखा है ये हम बाद में इसको सेक लेंगे। तो ये एक बार मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ। देखिए वो सारा सामान कढ़ाई रखी है, तो फिर मैं ये सामान बाद में सीखूँगी, फ़िलहाल मैं इसको बता देती हूँ सर्व करके। तो ये देखिएगा हम निकाल दिए इसमें कढ़ाई में से इन आलुओं को, कितने टेस्टी यम्मी डिलीशियस लग रहे हैं। तो देखिएगा आप भी खाइएगा और बताइएगा कैसे लगे भंडारे वाली पूड़ी आलू की सब्ज़ी। और अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से आपसे अपने अच्छी और प्यारी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।